Hey, what's up, guys? Welcome to Vidhumisha channel. Here I am Shayans, and today I am going to explain you some simple spiral designs. So let's start the video without wasting our time. तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग कोई भी टर्टल डिजाइन ड्रा करना चाह रहे, चाहे किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले हम लोग एक कोड देते हैं जिसका नाम है फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट या इंपोर्ट टर्टल। मैं यहाँ पे फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट भी लगा सकता हूँ या टर्टल इंपोर्ट फ्रॉम भी लगा सकता, कुछ भी, लेकिन इम्पोर्ट और टर्टल दोनों ये होना चाहिए। आफ्टर दैट मैं सबसे पहले एक स्क्रीन बना लूंगा, मतलब जिस स्क्रीन पे हम लोग बनाने वाले डिजाइन को, उसके बाद क्या नाम है, मैं अपने उस स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर रख लूंगा। उसके बाद मैं स्क्रीन का टाइटल रखूंगा। मैं टाइटल में और बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और जो ये इतना कोडिंग है, ये आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। मीन्स जो एनिमेशन स्क्रीन है उसके लिए है ये, आपकी मर्जी, आप रखिए चाहे मत। आफ्टर दैट फ्रॉम दिस कोड वी आर टेलिंग द सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोडिंग ऑफ द डिजाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने कलर्स ले लिए, जैसे मैंने रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, मैं 6 कलर लिए, ऑरेंज है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। टर्टल डॉट पेन, अब हम लोग ने टर्टल्स बोल दिया कि हाँ हम लोग पेन ले रहे हैं पेन। उसके बाद क्या नाम, टर्टल का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लैक रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। आफ्टर दैट बैकग्राउंड कलर, अब हमारी ड्रॉइंग की कोडिंग स्टार्ट होती है इतने दूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए, कुछ भी हम लोग बनाते हैं, स्पायरल मतलब सर्कल और स्क्वायर टाइप का मिक्सचर कुछ भी बनाते हैं, उसका एक रेंज पुट करके कि मतलब कितने रेंज में वो घूमेगा, कितने में ही जाना चाहिए, ये उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो रेंज में पुट किया 360 डिग्री। आफ्टर बैट दैट मैंने कलर लिया है, तो पेन कलर लिया है ना, तो पेन कलर में यहाँ पे कलर्स डॉट, ये जो ये देख रहे परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन है, ये आपको विंडोज पे मिल जाएगा आपके लैपटॉप में। ये पुट करने के बाद यहाँ पे 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये 6 कलर्स है, देख रहे हैं ये 6 कलर्स है, इसलिए मैंने 6 लिखा है। आप अगर 8 भी चाहते हैं, लेकिन 8 मेरे ख्याल से, हाँ 8 भी हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर विड्थ हम लोग ले लिया है, यहाँ पे विड्थ की वैल्यू 100+1। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते, बस डिजाइन एक डिजाइन के लाइन, ये नहीं कि कुछ और बन गया। सो फिर अब हम लोग फॉरवर्ड x डिग्री जा रहे हैं, फॉरवर्ड जाते हुए लेफ्ट 59 डिग्री जा रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली अब यहाँ पे आप चाहे तो डन ब्रैकेट ओपन क्लोज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, जरूरी नहीं है। सो अब रन करके देखते हैं एक बार। और चलते हैं डिजाइन नंबर 2 पे। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि ये इंपोर्ट टर्टल से हम लोग कोई भी डिजाइन स्टार्ट करते हैं, और ये जो मैं हैशटैग करके जो लिख रहा हूँ, ये आपको कोई मतलब ये कोई कोड जरूरी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए तरह से लिखा हूँ। अभी अगर मैं इस पर हटा दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जैसे हटा दे रहा हूँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं बस समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो उसके बाद भाई हम लोग एक स्क्रीन क्रिएट कर देंगे, या फिर स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर रख देंगे, फिर स्क्रीन का टाइटल रख देंगे, आप कुछ भी अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से लिख सकते हैं। आफ्टर दैट इनिशियल वेरिएबल्स, अब हम लोग इस डिज़ाइन में वेरिएबल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या नाम है, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी,
आफ्टर दैट आप हम लोग बता देना हम लोग क्या नाम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्पायरल डॉट डिजाइन 25, यहाँ पे क्या नाम है कोई भी जो भी हम लोग डिजाइन बनाए उसके स्पीड लिमिटेड स्पीड आप सेट कर सकते हैं जितना अच्छा है। उसके बाद क्या नाम है अब हम लोग क्या नाम पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्पायरल फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिख दिया, ये डिस्ट मतलब डिस्टेंस के लिए मैं लिख दिया हूँ। मतलब ये फॉरवर्ड मूव करने के लिए आफ्टर मैं यहाँ पे लिखा ना हैशटैग में लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट में 120 डिग्री चलते जा रहा है। ये फ्लैग मतलब डिजाइन थोड़ा सा फ्लैग टाइप का है ना, इसलिए मैं लिख दिया वो मैं आप मतलब एक पर्टिकुलर नेम आप सेट कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या नाम है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दिए जैसे जैसे मैं किया हूँ। आफ्टर लास्ट में टर्टल डॉट डन लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन कर या फिर केवल डन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट अब इसको रन करके देखता हूँ। तो अब चलते हैं प्रोग्राम नंबर थर्ड की तरफ। एज वी नो सबसे पहले इंपोर्ट टर्टल, आफ्टर दैट हम लोग स्क्रीन क्रिएट करेंगे, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, टाइटल पुट कर देंगे। आफ्टर दैट कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज टर्टल और टर्टल ओपन क्लोज। उसके बाद जो भी डिज़ाइन है उसके बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लैक रख देंगे। बैकग्राउंड कलर मतलब जो उसके पीछे का वॉल रहेगा मतलब वो चीज़। आफ्टर दैट हम लोग लिमिटेड स्पीड सेट कर देंगे कितने कैसे क्या कितनी स्पीड चल रही है। आफ्टर दैट पेन साइज दे लेंगे, मैं यहाँ पर 2 लिया हूँ क्योंकि वो थिन रहेगा मतलब परफेक्ट रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं आप मर्जी, चॉइस पर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट पेन कलर ब्लू ले लेंगे, मैं आप ब्लू लिया आप कुछ भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट ड्रॉ सर्कल हम लोग रेडियस के ना पुट कर देंगे और आई इंटरेस्ट 10 डिग्री का रेंज हम लोग दे रहे हैं। टर्टल डॉट सर्कल रेडियस ये कोड मतलब सर्कल जैसे सर्कल टाइप का स्पायर बनाना है उसके। आफ्टर दैट टर्टल डॉट राइट 36 डिग्री में राइट को चलना है मूव करना। आफ्टर दैट ड्रॉ डिजाइन डन टर्टल डॉट टर्टल डन। आफ्टर आफ्टर दैट रन करके देखते हैं। अब चलते हैं स्पायरल डिजाइन फोर्थ पे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इंपोर्ट टर्टल, आफ्टर दैट हम लोग एक स्क्रीन बना लेंगे। स्क्रीन बनाने के बाद उसका स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर पुट कर देंगे, आफ्टर दैट टाइटल पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। टर्टल इज या ओबी वाला तो आपको हमेशा कर बता ही चुका हूँ मैं कैसे करना। आफ्टर टर्टल डॉट कोडिंग स्टार्ट जाती है। स्पीड हम लोग 100 रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ। आफ्टर दैट बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख दिया, फिर रेंज 325 डिग्री का रखे हैं, कलर येलो, सर्कल आई यानी आई आई रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। मैथ्स अगर आपको पढ़े होंगे तो देखेंगे आई ही रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट टी डॉट लेफ्ट 5 डिग्री में लेफ्ट करना, डन टर्टल डॉट डन ब्रैकेट रन कर लेते हैं। अब चलते हैं टर्टल डिजाइन नंबर 5 की तरफ। हमेशा की तरह अब मैं सारे प्रोग्राम्स में इंपोर्ट टर्टल लिखता था, इसमें मैंने चेंज कर दिया ताकि किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे ऐसे ऐसा कुछ नहीं। फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, बस ये टर्टल और इंपोर्ट ये दो वर्ड हमेशा वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद क्या नाम है हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक पुट कर दिए। आफ्टर दैट स्पीड 0 कर दी, मैंने स्पीड इसको 0 किया क्योंकि एनिमेशन बहुत छोटा है और अगर बहुत तेज स्पीड रहेगा तो मतलब जानते हैं 0.2 सेकंड ही हो जाए, असल समझ में नहीं आया मैं। टर्टल हाइट कर दी मतलब जहाँ पर टर्टल कर्सर है विजिबल रहता है उसको हाइड कर देंगे। आफ्टर दैट रेंज 30 डिग्री का पुट कर दिया, कलर
कलर रेड एक मतलब ये ना पिछली वाले डिजाइन से ही मतलब कंपैरिजन करेंगे तो सेम है, बस इसमें दो डिजाइन है उसी में, एक का कलर मैंने रेड रख दिया एक का येलो। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, आफ्टर राइट में जाना 10 और फॉरवर्ड जाना 3 डिग्री, और फिर डन उसके बाद रन कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों